नहीं 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 सीधा ऊपर घूमेंगे। कैसा लगा बोट की सवारी? ये है वो टिकट जो कि हमने भी लिया 7 लोगों के लिए। स्वामी विवेकानंद का टेंपल या मंदिर जो कह लें, ये देखो कितना रफ है। ये जो है यहाँ पे माँ दुर्गा का भांजे लोग भांजे हमारे मम्मी पापा की बनावट। चल 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 मेरे साथी मेरे हाथी। तो ये जो है ना ये कॉम्पास है और पीछे जो क्लाउड्स हैं और ये जो दिख रहा है ये है सन टाइम और ये आपका बोलते हैं नाइट मार्केट। भाई आप देख सकते हो काफी लोग यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए हुए हैं। ये देखो ये देखिए सो और एहसास हम लोग यहाँ पे विवेकानंद मेमोरियल हॉल पे पहुँच गए हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल बट इट्स रियली रिस्की, थोड़ा ध्यान से आना पड़ता है बिकॉज सी इज वेरी 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 रफ। और क्या थोड़ा बहुत पापा मम्मी को संभालना पड़ता है उनका इश्यू है। नहीं 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 सीधा ऊपर घूमेंगे। ये अंदर एंट्री के लिए मेरे ख्याल से कुछ फीस वगैरह है, 20 रुपीज़ पर हेड। आने के लिए से ये लाइन है, इसी लाइन से फिर हमको वापस जाना है। हाँ कैसा लगा बोट की सवारी? बेसिकली यहाँ से हमको टिकट लेना पड़ता है तो ये मालूम नहीं था कि अंदर आने यहाँ उतरने के बाद फिर अगर ऊपर हमको जाना है पूरा दर्शन के लिए तो ये पूरा टिकट लेना पड़ेगा हमको, तभी वहाँ से एंट्री मिलेगी। तो जो पहले टिकट लिया था वो जस्ट बोट के ऊपर फेरी के ऊपर चढ़ने के लिए था। और ये है वो टिकट जो कि हमने भी लिया 7 लोगों के लिए, इनको दिखा के फिर अंदर जाना है। ये लीजिए जी, चलो 7 7। अच्छा थैंक यू। अच्छा पहले यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लेते थे ऊपर आने के लिए, सिर्फ बोट से आने देते थे। ओके सो अभी अंदर आ गए। अभी यहाँ पे इधर पीछे ये लोग नीचे वापस जाने के लिए हैं। यहाँ पे हमें शू उतार के फिर ऊपर जाना है बिकॉज एक तरह से इनको टेंपल माना जाता है ना। सो और यहाँ पे ये ऊपर जो मंदिर है इसमें जाएंगे हम लोग। सो लेट्स रिमूव द शूज। यहाँ पे आप फ्री में जूते रख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। एंड देन विल गो अप। ये आपका मेन एंट्रेंस ऊपर जाने के लिए। भाई गदर ये देखो सुपर बहुत सुंदर। ये बादल जो आए हैं ना और मौसम इतना सुहाना है माशाल्लाह। भाई मैंने जूम करके निकाल रहा हूँ ये फोटो वीडियो राजू। आई डोंट नो अगेन ये कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है। ये पहाड़ पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ है, ऊपर बादल, आगे समुद्र, बीच में छोटा सा जो गांव है कन्याकुमारी का। एक चीज़ है यहाँ पर मैक्सिमम जो है चर्च काफ़ी चर्च दिखेंगे आप, बहुत चर्च रियली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपका ये मेट डिपार्टमेंट का रेडार और ये पीछे ये कोई तो स्वामी है उनका ये मूर्ति बन रहा है। और ये है आपका स्वामी विवेकानंद का टेंपल या मंदिर जो कह लें। भाई ये इतनी प्यारी जगह है ना, मैं तो पूरा दिन निकाल सकता हूँ यहाँ पे, पूरा दिन। बहुत बहुत कतई कतई जहर बोलते हैं ना, आप देखो जस्ट लुक अराउंड। ओह माय गॉड
भाई जबर यार, मज़ा आ गया, बहुत सारी फोटोज ली, एक दो रील बनाई, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा डालूं कौन सा नहीं डालूं, ये डालूंगा ये छूट जाएगा, सब डालूं नहीं डालूं, और मन नहीं भर रहा है, रियली बोल रहा हूँ ना, मन नहीं भर रहा मेरा, कैमरा का लगता मेमोरी फुल हो जाएगा फ़ोन का, लेकिन फ़ोटो खींचना मेरा कम नहीं होगा। जस्ट लुक एट दिस भाई, इट्स सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ऐसा लगता है बोलते ना घंटों इन वेव्स को देखते रहो देखते रहो, इतनी मन की शांति मिलती है ना। लेकिन बहुत ही कहर वेव है, मतलब यहाँ पे स्विमिंग करना कोई गिर गया आई डोंट थिंक सो कोई बंदा बच पाएगा, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स है, करंट तो बहुत, मतलब करंट बोल सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है। ये जो है यहाँ पे माँ दुर्गा का उनका पद चिन्ह है, तो यहाँ पे उनके बेसिकली श्राइन श्राइन मंदिर है, तो इसके अंदर जूता पहन के जाना होता है, इसको श्रीपाद मंदिर ऐसा बोला जाता है। एक्चुअली अभी हम यहाँ इसके अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, सो अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये माता के पादुका है यहाँ पे, अभी हम मंदिर के पीछे वाले पार्ट पे आए हैं। हर हर महादेव, ओम के चिन्ह वाला फ्लैग है, यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। और कैसा लगा, जबरदस्त ना, अगर पानी में कोई गिर गया तो अरे बहुत सही है। इधर ये देखो मुटकी क्या पहन के रखी है, और मम्मी किधर गई, रेस्ट कर रही है। अच्छा भाई ये देखो वापस अपनी फेरी तैयार है जाने के लिए, लोग लोड हो रहे हैं, सॉरी लोड नहीं हो रहे, चढ़ रहे हैं, और इसी आप देख सकते हैं कितना रफ है इसी, और इसी से हमको होते हुए जाना है, और ये वापस ये कौन से मुनि है जिनका ये बन रहा है, तिरुवनंतपल्ली। अच्छा अभी बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत 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 भव्य है। भांजे लोग, भांजे क्या कर रहे हो भांजे, ये है हमारे भांजा जिसके कौवे का बाल है और दूसरे का मुझे नहीं मालूम कौन सा बाल है, बट कभी का यार बोलते हैं हमारे मुंबई भाषा में छावे लोग हैं। क्या सुनील जी, कुछ भी कहो जबरदस्त यार, हमारे मम्मी पापा की बनावट। चल 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 मेरे साथी मेरे हाथी, चल रे चल खटारा नीचे के, आओ भाई इतने बड़े हो गए, अरे मम्मी के साथ खड़े हो जाओ, अरे वो नहीं दूसरी वाली मम्मी के साथ मम्मी पार्ट टू, और हाथ रखेंगे, अरे दूर रखो बुरा मान जाएगा, कहीं चला गया तो यहाँ से। ये जो है ना ये कॉम्पास है कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में, अभी जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ एग्जैक्टली समझो कि साउथ ईस्ट में मेरे पीछे स्वामी विवेकानंद जी का वो मेमोरियल है, और ये सामने माता जी का पदचिन्ह स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के अंदर। बहुत सुंदर बना है, अंदर अंधेरा है क्या कि लाइट है, वो सच्चे बोले मन नहीं भर रहा यार। अब मैं मंडप पे ऊपर आने के बाद स्वामी विवेकानंद मंदिर का जो उनका जो मंदिर जैसा है अंदर तो जाने नहीं देंगे, यहाँ से मैं ये शूट कर रहा हूँ। और
पीछे जो क्लाउड्स हैं वो और इस बिल्ड में चार चांद बन गए। अमेजिंग अमेजिंग। अब ये देख पा रहे हो छोटे छोटे नावे, और ये मोस्ट प्रोबेबली इसमें से जो दो दो हैं वो सेल से चल रही है। ओह माय गॉड। जस्ट लुक एट द सी यार, बहुत ज्यादा। आई डोंट नो आपको ये बैकग्राउंड में दिख रहा है कि नहीं, ये पूरे लाइन से ना विंड मिल्स हैं, ये पूरे विंड मिल्स लगे हुए हैं। ये पहाड़ियाँ काफी बड़ी हैं, काफी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, काफी ऊंची 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 चोटियाँ हैं। इसमें टेंपल भी है, चर्च भी है, ये मेरे को सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ पे ना यार अपने पक्का यहाँ पे अपने पर्सनल गाड़ी से अपना बाइक से यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये है सनराइज कैलेंडर, अगर आप ध्यान से देखते हो, मैं कोशिश करता हूँ जूम करने का। सही तो मेंशन है उत्तरायणम, एंड उसके बाद जनवरी 10, जनवरी 20th। तो एग्जैक्टली कहाँ से सनराइज होने वाला है ये एग्जैक्ट उस एंगल में इन्होंने बना के रखा हुआ है। Really, it's amazing, amazing. और ये बैक साइड ऑफ स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, उनके पीछे का जो मॉन्यूमेंट है उसके पीछे का पार्ट है। सो बेसिकली बोला जाता है कि इस रॉक पे स्वामी विवेकानंद जी बेसिकली मेडिटेशन के लिए आए थे, एंड 25, 26, 27, 28 ऑफ दिसंबर को इन 18 समथिंग ईयर यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। तो तब से उनके नाम से ये जो रॉक है विवेकानंद रॉक पड़ा। और ये जो दिख रहा है ये है सन टाइम, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, बट यहाँ जाके देख नहीं सकते, अलाउड नहीं है किसी को जाना। तो एक चीज़ ऑब्जर्व किया, ये देखो यहाँ पे ना इन्होंने जहाँ जहाँ पर ये वाइट मार्किंग की, मतलब ये वाइट पेंट है जिसके कारण जब काफ़ी गर्म होता है ये पार्ट स्टिल ठंडा रहता है, सो पीपल कैन वॉक ऑन दिस। ये सही टेक्निक है, ये देखो जहाँ जहाँ ये वॉक करने के लिए इन्होंने वाइट कलर का पेंट का बना हुआ है। वाह, दिस इज रियली 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 अमेजिंग। और अभी हम पीछे के पार्ट में जा रहे हैं जहाँ पे लिटिल यू कैन सी द रफ सी। भाई अब आप ये देखो यहाँ पे मॉन्यूमेंट का पीछे का पार्ट जहाँ से हमको मेरे पीछे जैसे सन डायल जो वहाँ पर है ये है, और मेरे पीछे से सनराइज होता है। ये देखो ये क्या है, स्पिटून, मतलब ये बहुत सही चीज़ बना के रखी है। किसी को अगर स्पिट करना है तो आप इसके अंदर स्पिट कीजिए, यहाँ वहाँ स्पिट निकलिए। भाई ये तो समथिंग मैंने पहली बार देखा, सुपर अमेजिंग। मन भर गया, जबरदस्त ना। ऊपर सनडायल देखा, सनडायल। गाइस वापस आ गए हम लोग इस तरफ और बड़ा मजा आया। जबरदस्त यार, वही सी इतना रफ था, लेकिन रियली ऐसा लग रहा है अभी भी पूरी तरह से बोलते ना मन तृप्त नहीं हुआ रियली। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है, इट्स रियली इज ब्यूटीफुल। ये देखो ये जो फेरी है दूसरी वाली वो आ रही है, यहाँ से पीछे से दूसरी जाएगी। यहाँ पे थे हम लोग कुछ देर पहले,
ये वेव देखो यार, इतनी इतनी खतरनाक वेव है ये। ओ माय गॉड, दोनों के दोनों फेरी क्रॉस करेंगे। जबरदस्त टकरा नहीं रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे से। इस तरह से हम लोग लाइन में लगे थे ना। भाई अभी जा रहे हैं हम लोग सनसेट देखने के लिए। जीजा जी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बाकी लोग थक चुके हैं इसलिए रूम पर ही हैं। एक बार पहुंचने के बाद ज़रा देखें, क्योंकि यहाँ का सनसेट और सनराइज़ काफ़ी फेमस है। मतलब यार आए हैं तो इसको देखना बनता है। वैसे कल मेरी जो ट्रेन है कन्याकुमारी से 8:25 है, सोच रहा हूँ कि सनराइज़ भी देख लूँ। लेट्स सी, देखता हूँ, कोई प्लान किया नहीं हूँ, पहले बस सनसेट देख लें उसके भाई देखते हैं कल का क्यों करना है। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं सनसेट देखने के लिए। उसके पहले लेट्स हैव दिस व्यू। पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत। और ये जो वेव्स आ रही है बहुत ही भयानक खतरे वाली वेव्स है, यू कैन सी दैट। अच्छा, जाएंगे नीचे भी जाके एक बार उसका मज़ा लेके आते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। एक मैं कुछ ज़रा जूम करता हूँ, आप देख सकते हो वेव्स। ये देखो पब्लिक, पब्लिक है भाई, पब्लिक जान की है भाई। पापा मम्मी भी बोले कि ठीक है, वो भी आ रहे हैं, बोले आप चल सकते हो तो आप आ जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन बहन और भांजे लोग भी आ रहे हैं, बोले ठीक है हम लोग भी आ जाते हैं। एंड देन वी विल ऑल्सो हैव, देखते हैं कैसा है एक्चुअली, क्योंकि 6:40 का सनसेट है। मेरे ख्याल से सिर्फ 10 to 15 मिनट्स रह गया है। लेट्स सी, अब ये पीछे देखो यार, भाई अगर गलती से भी ना कोई इसमें गिर गया, हो गया उसका। याद है बचपन में बुढ़िया के बाल बेचा के हम लोग खाते थे, पिंक कलर के। हाँ बुढ़िया के बाल ये पिंक वाले। हाँ रियली पब्लिक तो एकदम मतलब गदर है। वो देखो कैसे खेल रहे हैं वहाँ पे सब बच्चे लोग पानी में। हाँ उधर मेरे ख्याल से ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन अगर गलती से पाँव फिसला तो पत्थरों में जाके एकदम सीजन लगेंगे वो लोग। वो देखो फ़ोन करते हैं, भाई साहब फोटो खिंचा रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है, ये टशन है ना टशन। सही है। कब तक आएंगे ये लोग, तक आए नहीं। ये हमारे डॉगी लोग, ये लोग भी आए सनसेट का मजा लेने के लिए। चलो देखते, मैं सोच रहा था नीचे से अच्छा व्यू आएगा यहाँ से फोटो लेने के लिए। ये देखो इतना पूरी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा जगह है। तो नॉर्मली यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में आएंगे लोग अपना सनराइज़ देखने के लिए, और यहाँ से हमको विवेकानंद जो रॉक है वो भी बहुत क्लियरली दिखाई देता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द व्यू पॉइंट, इसलिए काफ़ी लोग आते हैं। ये जगह इसलिए अरेंजमेंट ऐसा बनाएंगे ताकि लोग आराम से बैठ सकते हैं एंड दे कैन वॉच। तो ये देखो, ओ हो ये जबर जबर भाई, बहुत ही खतरनाक वेव्स है, बहुत ही खतरनाक। मेरी तो हिम्मत नहीं है इसमें अंदर जाके स्विम करने की। ये इतना पब्लिक आया हुआ है, जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ अभी लाइट जल गया, बहुत अच्छा लग रहा है वो। लाइट जलने के बाद ना चलते ना आगे की तरफ। उधर हाँ लाइट जल गया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ उस तरफ पीछे, हाँ पीछे की तरफ चलते हैं, नीचे नीचे नहीं उतरेंगे। और भाई ये अपने मक्के उबल रहे हैं, ये आम। सदन हर कोई अपने क्या बोलते हैं रोजगार में लगा हुआ है, बहुत पूरा फुल टू एंजॉय कर रहे हैं। क्या हो गया, चल चल नीचे, नीचे नहीं जाना ना। नहीं हम लोग तो उस तरफ जा रहे हैं ना। अरे हाँ इस तरफ चल रहे हैं ना हम लोग, इस तरफ से आ जा। सही मौसम है ना, इतना ठंडा हवा। अरे वाह इधर बहुत ज्यादा खतरा, इधर भी खतरनाक लाट आ रही है, तो वेव्स। भाई जिसको घोड़े चलाने हैं, घोड़ा न चलाने हैं चलाना है, वो भी घोड़ा चला सकता है यहाँ पे। आई थिंक ये पुराने मंदिर का अवशेष है ये। फ्रूट सैलड, और ये बच्चों को रिझाने वाले सिंग। जबर है ये, जबर सही है ना। हाँ सही लग रहा है, ये देखो पब्लिक पूरा फुल टू एंजॉय कर रही है। ये देखो सब लगे हुए अपना मस्त फोटोग्राफी में, जबर जबर। ये तो मैं बोलता हूँ भाई आना है तो, क्या बात है, कैमरा भी तो जबरदस्त है एकदम। यहाँ दो दिन के आने का एक चीज है, दो दिन, हाँ दो दिन करो एंड देन उसके बाद निपट जाओ। काफी तगड़े वेव्स हैं। वो देखो तो आसमान में लालिमा, वाह। और ये आपका बोलते हैं नाइट मार्केट, मीन्स बीच का, ये बीच पे ही है ये मार्केट, तो काफी चहल पहल है। अपना बॉम्बे चौपाटी की याद आ गई यहाँ पे। क्या लिए खुजली का एंड बिजली या बुलाने के लिए आए?